नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। नेता तो आपने बहुत देखा होगा जो जीत के भी जनता का काम नहीं करते हैं, लेकिन एक नेता ऐसा भी है जिन्हें लगातार दो बार लोकसभा विधानसभा में हार मिली है, लेकिन फिर भी लोगों के प्रति इनकी सेवा भावना कम नहीं हुई। क्या रात क्या दिन हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे आखिर वो कौन है, तो आपको बता दें कि जिसे हम शेर ए बिहार के नाम से भी जानते हैं, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। बीते दिनों हिमाचल में कटिहार से कदवा प्रखंड के भोला डांगी के 7 मजदूर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी को मिली। सूचना मिलते ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि मृतक के परिवार को आर्थिक मदद किया जाए। उनके निर्देश पर पार्टी के प्रदेश महासचिव नैयर मसूद खान, कदवा प्रखंड अध्यक्ष किशोर यादव, कटिहार छात्र जिला उपाध्यक्ष रवि यादव बबलू, कदवा प्रमुख पारस राय पिंटू यादव ने दिए गए निर्देश का पालन करते हुए सभी को आर्थिक मदद की। हम लोग हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग से जो भी बन पड़ा सातों परिवार को हम लोग नगद राशि के रूप में दिया अभी, और हम लोग बराबर कदवा में ही नहीं पूरे कटिहार जिला में जहां भी कुछ वैसी मुसीबत आती है तो हम लोग हर जगह मौजूद रहते हैं और हम लोग पान नहीं पान का डंटी से ज़रूर जो है मदद करते हैं। हम लोग आए हैं जन अधिकार पार्टी की ओर से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी के आदेश पर हम लोग जो है हिमाचल में जो है रोड एक्सीडेंट हुआ था मजदूरों का, उसी को आर्थिक मदद के लिए जो है कदवा में जो है मजदूर के परिजनों को आर्थिक मदद हम लोग दिए हैं। कितने परिवार को दिए? 7 परिवार को दिए।